द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासी दंगल अब और भी तेज हुआ है। यहां बीजेपी के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों की ओर अपना रुख कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता अपने हाथों में अटल आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पोस्टर लिए हुए थे। इस मौके पर पीसी शर्मा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की असली गुनाहगार भाजपा है, क्योंकि उस दौरान केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अब सियासत का तड़का भी लग चुका है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ देखने के लिए तस्वीरों में कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक हैं पीसी शर्मा, वो मूवी देखने पहुंचे। हम बात करते हैं सर, अभी तक तो विरोध ही चल रहा था फिल्म का, आज देखने में पहुंचे? विरोध नहीं किया है, जो फैक्ट्स है वो देखने जा रहे हैं। और ये जो फैक्ट्स हम लेके जा रहे हैं कि ये इन लोगों की सरकार थी वीपी सिंह जी की, और उस समय जगमोहन जी वहाँ पे गवर्नर थे और नरेंद्र मोदी जी वहाँ के प्रभारी थे बीजेपी से। तो ये सब जो हुआ है 89 और 90 में, तो उस समय तो इनकी सरकार थी, इन्हें रोका क्यों नहीं? और इन 32 सालों में 16 साल इनकी सरकारें दिल्ली में रही, वहाँ पे भी सरकार रही इनकी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ। तो इन्होंने इस सब पे एक्शन क्यों नहीं लिया, व्यवस्थापन क्यों नहीं किया? और अभी एक साल पहले फिर मारकाट हुई, तो आखिर ये केवल झूठ परोस के अपने अपने आप का जो हाथ है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को सब हम देखने जा रहे हैं। 370 को लेकर बीजेपी का कहना है कि नेहरू ने 370 लगाई थी, विशेष दर्जा दिया कश्मीर को, उसकी वजह से ही पूरी स्थिति बनी थी वहाँ पे। ये इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मेंबर थे, उनके सामने सब हुआ, तब विरोध क्यों नहीं किया? तब उन्हें विरोध क्यों नहीं किया? सर जनियास खान आईएएस हैं, उनको लेकर भी एक लगभग विवाद, उनका कहना है कि ये सरकार को देखना है सर, सरकार के आईएएस हैं, सरकार कार्रवाई करे। तो कांग्रेस के विधायक हैं पी शर्मा, वो पूछ रहे हैं पीसी शर्मा फिल्म देखेंगे द कश्मीर, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कभी भी फिल्म का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी नरसंहार हुआ है उसके पीछे बीजेपी के कई नेताओं की रणनीति विफल हुई थी। कैमरा आशु के साथ रुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।